कल तक जहां बच्चे खेलते नजर आते थे, आलीशान मकान बस्ती की शोभा बढ़ाते थे, अब वहां सब कुछ बदल गया है। जीवन भर मेहनत कर बनाए हुए मकान नदी में समाहित हो रहे हैं। तस्वीरें भागलपुर के गोपालपुर की हैं, जहां गांव की एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। ये तस्वीर देखिए, लोग अपने हाथों से बनाए अपने ही आशियाना उजाड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के आधा दर्जन से अधिक परिवारों का घर नदी में बह गया। वहीं अभी जिन परिवारों के घर नदी में समाहित नहीं हुए, वे अपने घरों को तोड़ रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है ताकि कटाव में घर बह जाने से अच्छा है कुछ ईंट बचा ली जाए, ताकि फिर से घर बनाने में मदद मिल जाए और नए ठिकाने पर आशियाना बनाया जा सके। घर का सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है, भोजन बनाने के साधन भी उनके पास नहीं है। बहरहाल अब एक सवाल जरूर उठता है, जो इतने दिनों से मजदूरी करके आशियाना बनाए थे, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ पर अपना घर बनाएंगे? फिलहाल सरकारी स्तर पर इन लोगों को क्या सहूलियत मिलती है, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।